हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैं आईफोन के बारे में इस वाले वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आईफोन अपना नया फ़ोन ला रहा है, आईफोन एक्स एस इलेवन जो 11 नया आ रहा है आईफोन का, उसके बारे में इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। दोस्तों, ये फ़ोन मार्केट में कब आएगा, कैसा आएगा, क्या है इस फ़ोन में फीचर्स, उसके बारे में इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बिना गए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, जो मेरा यूज़र नेम है वो यहाँ पे शो हो ही रहा है, वहाँ पे जाकर फटाफट से फॉलो कीजिए। 1K फॉलोअर्स पहुँचा दीजिए, 500 फॉलोअर्स हो गए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वाला फ़ोन है, उसका नाम है iPhone XS 11। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। दोस्तों, इंडिया में बहुत ही जल्दी 2019 में तो लॉन्च हो ही जाने वाला है, वो तो सभी को पता ही है, लेकिन एग्जैक्टली कब रिलीज़ होगा उसके बारे में मैं बताता हूँ। ये फ़ोन एग्जैक्टली इंडिया में आई थिंक अगस्त तक आ जा सकता है, क्योंकि दोस्तों एप्पल ने उसका पूरा लुक जो है वो तैयार कर डाला है। उसके पीछे का जो कैमरा है, अंदर आपको एक कैमरा नहीं मिलेगा, दो कैमरा नहीं मिलेगा, उसके अंदर आपको मिलने वाले हैं 3 कैमरे है। दोस्तों, उससे आपका पोर्ट्रेट मोड है वो बहुत ही ज़्यादा सुधरने वाला है, जो उसकी सेल्फी है वो भी बहुत बढ़िया होने वाली है। जो दोस्तों नॉच वाला फीचर से सेम आगे का फीचर्स आपको मिलेगा, लेकिन उसकी डिस्प्ले है वो थोड़ी बहुत बढ़िया, मतलब कि एज फ़ोन आता है सैमसंग का ऐसे आएगी थोड़ी डिस्प्ले। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। और दोस्तों, इसकी कंपेयर में हम बात किया जाए तो एक्सेस मैक्स जो फ़ोन है अभी, वो भी उससे भी अच्छा ये वाला फ़ोन है। मतलब कि फीचर्स तो सेम ही रहने वाला है, और उसके कैमरे में सबसे ज़्यादा फ़र्क आएगा, क्योंकि 3 कैमरा रहने वाले उसका मॉडल होगा। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ, ऐसा कुछ उसका मॉडल पीछे से होने वाला है। दोस्तों, मैं भी एग्जैक्टली सही नहीं हूँ, लेकिन ऐसा होएगा, मतलब कि अगस्त तक ये फ़ोन आ सकता है, नहीं भी आ सकता, ऐसा कुछ भी नक्की नहीं है कि ये फ़ोन अगस्त तक आ ही जाएगा। दोस्तों, उसके पीछे की फ्रंट, पीछे की रियल कैमरा तो सेम ऐसा ही होगा। दोस्तों, आई थिंक तो मेरे ख्याल से 100% ये सही है। और दूसरा आया तो भी क्या, 3 कैमरा तो आने वाला है, वो मैं आपको सही सही बता रहा हूँ, क्योंकि 3 कैमरा तो एप्पल ऐड करेगा ही अंदर, क्योंकि सारे फ़ोन वाले तो बना रहे 3-4 कैमरे डाल रहे हैं अपने फ़ोन में, इसलिए अब 3 कैमरा वाले ये फ़ोन आ जाएगा। दोस्तों, उसकी फ़ीचर्स की बात की जाए तो अंदर आपको मिल जाएगा, मतलब कि अंदर आपको GB मिल जाएगी, 128 GB, 216 GB और 512 GB का अंदर आपको वेरिएंट मिलेगा। उसमें 64 GB भी शामिल है, 32 भी शामिल है, 16 GB आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 16 GB आएगा तो भी क्या, देख लेंगे, कोई ख़रीदता नहीं है 16 GB क्या, क्योंकि एप्पल की ऐप ही इतनी बड़ी आती है कि अंदर आपको सिर्फ 11 GB तो अंदर आपका बत्ता है, इसलिए 16 GB तो कोई ख़रीदने वाला नहीं है, इसलिए वो लोग फ़ोन भी नहीं डालेंगे। दोस्तों, उस पर दूसरी बात किया जाए तो कैमरा है, उसका कैमरे की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, और आपका ब्लैक बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड ऐसा आप अंदर चुन भी सकते हो पोर्ट्रेट मोड के साथ। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, और अंदर आपको बिना हैंग हुए, हैंग तो एप्पल के फ़ोन नहीं होते हुए, मैं एप्पल का फ़ोन का रिव्यू बहुत ही कम करता हूँ, क्योंकि एप्पल के फ़ोन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको तो एंड्रॉयड ही अच्छा लगता है, क्योंकि एंड्रॉयड में जो बात है वो एप्पल में कहाँ पे, और एप्पल में जो बात है वहाँ एंड्रॉयड में कहाँ। दोस्तों, इसीलिए ये फ़ोन का आप परचेस करना हो तो कर सकते हो, उसके परचेस रेट होगा तकरीबन 150,000 से ऊपर या डाउन हो सकता है उसका रेट, मैं सही नहीं हूँ क्या, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन 150,000 तो आपको चलना ही पड़ेगा, उतना लेकर तो ही आप खरीद सकते हो। नहीं तो iPhone XS Max आया था, वो भी 1,44,000 का है फ़ोन आया था, इसलिए दोस्तों मैं एग्जैक्टली सही नहीं हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है। दोस्तों, एप्पल के iOS अंदर आपको मिलेगा, iOS 11 अंदर आपको वर्जन मिलने वाला है, उसका अपडेट भी आ जाएगा, उसका अपडेट का कुछ भी ख्याल नहीं है मुझको, लेकिन 11 तो अंदर आपको मिलेगा iOS 11 का अपडेट। दोस्तों, ये अपडेट वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपका जो बैटरी बैकअप है वो बहुत कम है, अंदर आपको हेडफोन जैक नहीं मिलने वाला है, हेडफोन जैक के लिए आपको अलग से एक जैक लेना पड़ेगा, और मैं तो कहता हूँ कि हेडफोन जैक की क्या काम है, आप ईयरपोड से ले लो, बहुत ही बढ़िया, आप जिम करो बहुत ही बढ़िया, सॉन्ग ओपन रहेगा, क्या वायर वायर क्या क्या काम है। और अंदर आपको मिलने वाला है अपना फिंगरप्रिंट सेशन तो नहीं मिला, लेकिन आपको
फ्रंट हम फेस लॉक मिलता है, मतलब फेस लॉक उसका बहुत ही पावरफुल है। इसका फेस लॉक के बारे में हम कंपेयर किया जाए तो बहुत ही पावरफुल आने वाला है। उसकी कंपेयर में सोमी का 7 प्रो उसके उससे भी ज़्यादा तेज उसका फेस लॉक है, क्योंकि आईफोन है, आईफोन तो फेस लॉक में अच्छा ही आएगा। उसका कैमरा इतना बढ़िया आता है जो। और दोस्तों चार्जिंग जो है वो है अंदर फास्ट नहीं मिलता, और ईयरबड्स भी अंदर आपको नहीं मिलते। सब कुछ खरीद लो ना, क्यों पैसे खरीद लो, किस सस्ता ही है, 3000 के अंदर आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसीलिए आईफोन को मैं लाइक नहीं करता, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन में जितना आता है वो एप्पल नहीं दे पाता, और एप्पल जो दे पाता है वो ये लोग नहीं दे सकते। दोस्तों एप्पल में जो है मतलब कि ईयरपोड्स हमको अलग से ख़रीदने पड़ेंगे, हेडफोन जैक अलग से ख़रीदने पड़ेंगे, तो इतना महंगा फ़ोन लेने की ज़रूरत ही क्या है। इससे अच्छा तो आप एंड्रॉइड ले लो, ईयरफोन जैक आ गए, अपने माइक डालो, वीडियो स्टार्ट करो यूट्यूब पे, पैसा अर्निंग करो, और उसमें अंदर आपको जो ईयरपोड्स है उसको तो आपको ख़रीदना ही पड़ेंगे, और आपको फास्ट चार्जर भी ख़रीदना पड़ेगा, नहीं तो वही 5S वाला चार्जर आ जाएगा, सबसे स्लो काम करेगा, उसका तो हमको क्या काम है। दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालना, जो सब्सक्राइब करेगा सबसे पहले वो कमेंट भी डाल देना, क्योंकि कमेंट डालोगे तो अच्छा लगता है। बहुत सारे मेरे टैग ओम करके एक दोस्त है, मतलब मेरा तो दोस्त मैं नहीं जानता उसको, लेकिन वो कमेंट बहुत ही अच्छा कर रहा है, तो थैंक्स फॉर टैग ओम। दोस्तों आपका आपके कमेंट को मैंने पिक कर लिया, और दोस्तों उस कमेंट के मैं आपको आंसर भी करता हूँ, एक दो आंसर मैं उसके बारे में कर देता हूँ लास्ट में, नहीं तो अभी भी कर देता हूँ। चलो ना अभी ही कर देता हूँ, उसमें क्या हुआ, क्योंकि अभी करूँगा बाद में करूँगा, सब कुछ एक ही है ना, आपको लास्ट में फ़ोटो तो मिलने ही वाला है इसलिए। और दोस्तों यहाँ से साउंड बहुत आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों मैं बाहर वीडियो शूट कर रहा हूँ, और बाहर जो मेरा दोस्त मेरे भाई के वहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर रोड बाजू में ही है, इसलिए आपको साउंड बहुत ही ज़्यादा आता है। दोस्तों एक टैग है वो कह रहे हैं मैंने तुझको सब्सक्राइब कर लिया, कोई बात नहीं यार, तूने सब्सक्राइब कर लिया तो क्या हुआ, ऐसे ही हमारे चैनल पे तू भी प्यार बरसाता रहे, और दोस्तों ऐसे ही हमारे जो चैनल है उसमें आप लोग जुड़ते जाइए, और 1K फॉलोअर्स पहुंचा दीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे, और 1K सब्सक्राइबर भी आप पहुंचा दीजिए इस वाली चैनल पे, इससे मुझको भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, और आपको भी हमारे चैनल पे नए नए वीडियो अपलोड मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ। दोस्तों यहाँ पे मेरा जो यूज़र नेम है वो आ रहा है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाकर फटाफट से फॉलो कर लेना, मैं 1K फॉलोअर्स पहुँचा देना। बस आज के वीडियो में बस इतना ही था, वंदे मातरम, जय हिंद, गुड बाय दर्शकों।